हेलो एवरीवन, आज हम एक नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं और ये हम बनाने वाले हैं बोनसाई ट्री। ये हमने लिया है टेप रोलर, जिस लेट मी शो। ये हमने लिया है टेप रोलर और ये हमारे पोस्टल कलर्स जो हम पे कलर कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम एक ग्लेज पेपर भी लगाएंगे ताकि उस पर ऐसे ये स्टिक अंदर जा सके आराम से, वरना फिर ये हिलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैडम मेरी हेल्प कर रही है कलर्स करने में। और हम सारे पे कलर करेंगे लेकिन ये जो बीच में स्टिक है जो इनको होल्ड कर रही है इस पे कलर नहीं करना है, वरना कलर ज़्यादा वेस्ट हो जाए। माइंड इट। चलो, ये सारा मेरा आइडिया था। जो मैं बोल रही हूँ आप एक बार तो भूल जाना, लेकिन जो बड़ी मैडम ने बताया है ये नहीं भूलना बिल्कुल। हाँ, इस टाइप से ऐसे कलर इसके ऊपर ऐसे कलर कर दो। मैं येलो कर रही हूँ, दिस शू रेड कर रही है। और दूसरा जो हम करेंगे वो था ब्लू, वो है ब्लू। अब हम ये कलर कर लेते हैं फिर हम दिखाएंगे। और टेप रोलर पे आप कितने भी कलर कर लो, चाहे एक करो चाहे दो करो, वो आपकी मर्जी है। अभी हम कलर कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। इसको ऐसे करके हमारा ऑलरेडी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। इस पे थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइट कर दो तो वो ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और आप चाहो तो स्टैम्प पे भी कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पहले तो, मैंने सोचा था कि स्टैम्प पे नहीं करेंगे पर वो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने स्टैम्प पे भी कर दिया। तो आप इस टाइप से ऐसे इसको लगा सकते हैं ऊपर ऊपर, तो ये लगेगा कि जैसे वाइट फ्लावर्स हैं, कॉटन प्लांट होता है ना, कलरफुल कॉटन प्लांट। हमने कॉटन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो ज़्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करती है तो वो जल्दी जल्दी से गंदा हो जाता है। मुझे लग रहा है इसको काटना नहीं चाहिए, दिशु हमें इसे फोल्ड कर देना चाहिए। वो हम कलर भी तो और एक रबर लगा देनी चाहिए, वन एक रबर लेके आना। रबर मत डालो, कलर भी तो करना है ना, अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो सही, जब हम कलर कर देंगे तो हम रबर को फिर हटा देंगे। वन अभी के लिए एक रबर ले बेटा। ओके, रबर ले आओ, ये शिवा को। तो जब ये रेडी हो जाएगा ऑल ये देखो, मैं ही येलो येलो छोड़ने वाली थी, हमारी मैम ने बोला इसको पूरा ग्रीन कर, हमारी दिशी का मैम ने। ये मेरा रेडी हो गया, ये वाला भी रेडी हो गया, सब रेडी हो गया। ये मेरी बुआ ने बनाया है, हमारा पेपर भी मेरा ज्यादा अच्छा है, मेरे पे व्हाइट व्हाइट है, मैंने हल्के स्पार्कल। और मैंने बुआ भी करने वाली है, बुआ का ज्यादा अच्छा है। टेप रोलर के ऊपर मैंने पेपर लगा के उसको कलर कर दिया है चिपका के। ये तो हर चीज अच्छी करती है। मालूम क्या चाहिए तुझे मुझसे? एक साइकिल। मेरी इतनी तारीफ, एक वॉच चाहिए मुझको, वॉच। चलो भाई लाओ। ये मैंने इस पे स्पार्कल लगाया है, तुम लोग रखते तो होने संभाल के, पर ये दिख रहा नहीं। शिवानी रखी है बस संभाल के, तुम दोनों ने नहीं। बुआ जी, एक बार बुआ जी मेरे लिए ऑरेंज कलर की लाई थी, उसका खराब निकला, वो जो रहता है ना गोल गोल करता रहता है वो ढीला निकला। इधर करो तो इधर हो जाता, इधर करो तो इधर हो जाता। कलर कर दिखाना, रेडी हो चुका है, हो गया ना। अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। लाओ लगा दो, एक सेकंड। किसी भी चीज से कर लीजिए, ये मैं एक ब्रश की हेल्प से होल कर रही हूँ। हो गया, हमारा बोनसाई ट्री अटक जाए इसमें। अटक जाएगा जब मेरा साइड में आएगा ना। लो, अटक जाएगा। ये पेपर वैसे कलर करके हल्का हो जाता है, है ना? अगर इसको कलर वो थोड़ा वेट हो जाता है ना, डायरेक्ट ग्लेज पेपर को लगा दें तो ज्यादा बेटर है। मुझे ये अटक रहा है, इसको अंदर डालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अब एक दूसरे में अटक अटक गए हैं। ऐसे हो गया, हो गया, हो गया।
छोड़ो एक मिनट, छोड़ो छोड़ो एक आईडिया मेरे पास। हमें एक थर्ड और लगाना है, मैं बोल रही थी ना तीन लगेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसको कलर तो करने दो, एक बार देखने दो मुझे सपोर्ट बना के, फिर हम कलर कर देंगे। एक और चाहिए, इसको डाउन, इसे थोड़े नीचे कर देते हैं। रुकना देखती हूँ और है कि बुआ जी एक छोटा सा है ये, पर ये बेचारा सपोर्ट नहीं कर पाएगा शायद, बस अटक गया है ये। और इसको ना थोड़ा सा जो ये बचा हुआ है इसको कलर कर देंगे। मैं कर दूँ? फिर हमारा बोनसाई ट्री रेडी हो जाएगा, इतना सुंदर। वाह यार कितना प्यारा बना दिया हमने। ये देखो इसके कलर्स बाय।